नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटरवेल इंस्पेक्टर। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज आपसे मैं नए टॉपिक में लेकर आया हूँ, लगेज कैरियर ऑन पैसेंजर व्हीकल एंड गुड्स कैरिंग इन बसेज। यानी कि पैसेंजर व्हीकल के ऊपर जो लगेज कैरियर लगा होता है, यह लगेज कैरियर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या जो कॉमर्शियल गुड्स होता है वो किन व्हीकल के अंदर अपन कैरी कर सकते हैं और किन शर्तों के साथ कैरी कर सकते हैं, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि पूर्व के मेरे वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे इनसे संबंधित कोई भी जो है नए वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं लगेज कैरियर ऑन पैसेंजर व्हीकल एंड गुड्स कैरिंग इन बसेज। लगेज कैरियर ऑन मोटर कार, मोटर कैब एंड मैक्सी कैब, यानी छोटे वाहन के अंदर, जैसे अपने निजी कार है, कोई टैक्सी कार है या मैक्सी कैब है, ठीक है ना, उसके अंदर कैरियर लगाना या नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, यह लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है, ठीक है ना। क्योंकि जब व्हीकल खरीदते हैं उसके साथ कैरियर लगा हुआ आता नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद में ऊपर से कोई एक्स्ट्रा कैरियर लगा देता है, तो कोई के मन में रहता है कि वो टैक्सी परमिट के लिए अलाउ है, कोई कहता है प्राइवेट के लिए अलाउ नहीं है, कोई कहता है इस गाड़ी के लिए अलाउ है, कोई कहता है उस गाड़ी के लिए अलाउ नहीं है। तो साथियों, कोई भी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब वाहन बनता है, ठीक है ना, तो उसका जो प्रोटोटाइप अप्रूवल होता है, तो प्रोटोटाइप अप्रूवल के समय लगेज कैरियर साथ में उसको अप्रूवल नहीं कराया हुआ होता है। इसलिए जब व्हीकल रजिस्टर्ड होने के बाद उसके अंदर आप कोई भी अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट जो सेक्शन 52 है, वो व्हीकल के अल्ट्रेशन के बारे में कहता है कि अल्ट्रेशन इन मोटर व्हीकल नॉट अलाउड। यानी कि जो टाइप अप्रूवल के अकॉर्डिंग टू, अगर व्हीकल रजिस्टर्ड हो गया है, उस रजिस्टर्ड व्हीकल के अंदर जो दो तीन नॉर्म्स है, उन नॉर्म्स को छोड़ के आप उसके अंदर किसी प्रकार का अल्ट्रेशन नहीं कर सकते व्हीकल में। तो अगर जैसे मैंने, अगर व्हीकल के ऊपर कैरियर लगा है, कैरियर लगा तो क्या हुआ, उस व्हीकल के अंदर मैंने अल्ट्रेशन करा दिया है, ठीक है ना, तो यह अल्ट्रेशन अलाउ नहीं है। तो चाहे व्हीकल आपका कोई भी प्राइवेट व्हीकल हो, निजी वाहन हो, आपका निजी कार हो, चाहे टैक्सी कार हो या मैक्सी कार हो, कोई भी व्हीकल हो, उसके ऊपर लगेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, चाहे भली व्हीकल कोई भी हो। हाँ, अगर कंपनी से लगा हुआ आएगा लगेज, ठीक है ना, तो टाइप अप्रूवल के अंदर अप्रूव करा रखा उसने, तो ही अलाउ है, अदरवाइज कोई भी लगेज कैरियर छोटे व्हीकल के ऊपर अलाउ नहीं है। सेकंड, लगेज कैरियर ऑन बस। अब बस के बारे में, लगेज कैरियर के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है ना। जो पहले बताया था मैंने वो छोटी गाड़ी को बताया, क्योंकि बसें बड़ी होती है इसलिए इनमें लगेज भी ज़्यादा होता है, लगेज भी ज़्यादा लोगों का लगेज होता है, ठीक है ना, तो लगेज कैसे कैरी किया जाए, ठीक है ना, लगेज कहाँ पर रखा जाए। तो बस की जो बॉडी बिल्डिंग होती है, ठीक है ना, बस की बॉडी बिल्डिंग सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 125C के अकॉर्डिंग टू होती है। जो 13 सीट, 14 इन ऑल से ज़्यादा जो बड़ी बसें होती है, उन बसों, बड़ी बसों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो रूल 125C के अकॉर्डिंग टू होता है। और रूल 125C के अंदर बस बॉडी बनाने का कोड बता रखा है कि जो बस बॉडी का निर्माण है वो AIS 052 के अकॉर्डिंग टू होगा। इसके लिए, बस बॉडी निर्माण के लिए मैंने अलग से दो वीडियो बना रखे हैं पूरे डिटेल के अंदर। अगर आप बस बॉडी निर्माण के बारे में जानना चाहते हैं तो अलग से मेरे वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट बस बॉडी का निर्माण कैसे किया जाता है, कितनी प्रकार की बसें होती है, उसके बारे में डिटेल से मैंने बता रखा है। तो यानी कि रूल सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 125C के अंदर बस बॉडी का निर्माण का दे रखा है, और 125C के अंदर यह कह रखा है कि जो 14 सीट से, 14 इन ऑल से ज़्यादा बड़ी जो बड़े बड़ी बसें हैं, उन बसों का निर्माण AIS 052 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू होगा। और AIS 052 के क्लॉज 2.2.13.1 के अंदर यह क्लियरली मेंशन है, नो रूफ लगेज कैरियर शैल बी प्रोवाइडेड ऑन एनी टाइप ऑफ बस। यानी कि किसी भी प्रकार की बस है 14 सीट से ऊपर की, उस बस के अंदर कोई भी रूफ कैरियर अलाउ नहीं है। इसके लिए अलग से प्रोविजन दे सकते हैं, जो पैसेंजर का लगेज होगा, पैसेंजर के लगेज के लिए अलग से प्रोविजन, यानी पीछे की हो सकता है, वो साइड में उसकी जगह बना सकता है, लेकिन रूफ के ऊपर कोई भी कैरियर अलाउ नहीं होगा। अब चाहे बस स्टेज गैरेज हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट गैरेज हो, या स्कूल बस हो, या किसी भी प्रकार की बस हो, ठीक है ना, जो जिसमें उसमें AIS 052 के अंदर चार प्रकार की बसें बता रखी है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, यानी कि चारों प्रकार की बसों के अंदर कैरियर अलाउ नहीं है। अब सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अंदर टूरिस्ट व्हीकल के लिए रूल 128(9) के अंदर लगेज होल्ड सेल बी प्रोवाइडेड एट द रियर और एट द साइड और बोथ।
यानी कि जैसे मैंने अभी कहा लगेज के लिए आप पीछे जगह बना सकते हैं और दोनों साइड में जिसे अपन डिक्की कहते हैं सामान्यतः वहां पे लगेज के लिए जगह बना सकते हैं, लेकिन रूफ कैरियर अलाउ नहीं है। अब राजस्थान के अंदर ठीक है ना, कॉमर्शियल लगेज ले जाने के लिए ठीक है ना, जो मर्केंडाइज गुड्स है ठीक है ना, उसके लिए एक स्कीम राजस्थान सरकार ने 27 जुलाई 2022 को लॉन्च की है, राजस्थान ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मर्केंडाइज गुड्स इन स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज स्कीम 2022 के नाम से। यानी कि बसों के अंदर कोई भी जो कॉमर्शियल गुड्स है वो कैसे ले जाया जाता है वो स्कीम 2022 के अंदर और 27 जुलाई 2022 से वो इफेक्ट हुई है। अब ये स्कीम इफेक्ट होते ही बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ गया कि भाई बसों के अंदर गुड्स अलाउ कर दिया है, यानी कि पहले जो कैरियर के ऊपर गुड्स ले जाते थे वो अब अलाउ कर दिया है। लेकिन साथियों बस गुड्स अलाउ नहीं किया इस स्कीम के तहत, इस स्कीम के अंदर कुछ शर्तों के अधीन गुड्स को कैरी करना अलाउ किया है। वो कौन सी शर्तें और कहाँ पर कैसे करना है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले लाइसेंस, अगर राजस्थान में, ये राजस्थान स्टेट की स्कीम है इसलिए मैं राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है ना, अगर आपका कोई बस है स्टेट की बस है या कॉन्ट्रैक्ट की बस परमिट की बस है और आप उसके अंदर लगेज ले जाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको जो संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वहाँ से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस कैसे लेंगे अब, तो इसके लिए लाइसेंस की अथॉरिटी कौन रहेगा, लाइसेंस अथॉरिटी द सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, यानी जो संबंधित RTOs होते हैं वो RTOs को लाइसेंसिंग अथॉरिटी बना रखा है। हाउ टू गेट लाइसेंस, लाइसेंस कैसे लेना है, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखनी है एक प्लेन पेपर पर ठीक है ना, कि भाई मैं, मेरे वाहन ये है उसके अंदर मैं ये गुड्स कैरी कॉमर्शियल गुड्स कैरी करना चाहता हूँ, रजिस्टर्ड इन राजस्थान और व्हीकल है वो राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वैलिड उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड परमिट एंड ऑथराइजेशन इफ एप्लीकेबल, अगर उसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए है अगर एप्लीकेबल तो ऑथराइजेशन परमिट होना चाहिए और उसका टैक्स पेड होना चाहिए। इसके अलावा गुड्स कैरी करने के लिए उसको लाइसेंस लेने के लिए उसको लाइसेंस की फीस अदा करनी पड़ेगी, वह फीस अगर एक महीने के लिए लाइसेंस लेता है व्यक्ति तो 6,000 रुपये, 3 महीने के लेते हैं तो 15,000 रुपये, 6 महीने के लेते हैं तो 25,000 रुपये और 1 साल के लिए लेता है तो 40,000 रुपये इस लाइसेंस की फीस है, यानी गुड्स कैरी करने की आपको पहले फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, लाइसेंस के बाद आप गुड्स को कैरी कर सकते हैं। अब गुड्स को कैरी करने के लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं। कंडीशन इसमें सबसे पहले नो हैजार्डियस गुड्स, यानी कि उस बस के अंदर कोई भी आप जो खतरनाक माल है हैजार्डियस गुड्स मटेरियल, जैसे कि आपने बताया था कि रूल 137 के अंदर दे रखा है टेबल 3 के अंदर ठीक है ना, उसमें से कोई भी वो मटेरियल इसमें नहीं होना चाहिए। वेट ऑफ मर्केंडाइज गुड्स सेल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द RLW, यानी कि जो टोटल गुड्स कैरी कर रहे हैं उस गुड्स का वजन, उसका जो व्हीकल का रजिस्टर्ड लेडन वेट है, यानी कि जैसे व्हीकल एक बस है ठीक है ना, सिंगल एक्सल बस है, सिंगल एक्सल बस का जैसे 18,500 उसका RLW है, तो यानी कि इसका 10% यानी कि 1850 के लिए 1850 किलोग्राम से ज़्यादा वजन, यानी कि लगभग 2 टन से ज़्यादा वजन उस गाड़ी के अंदर आप कैरी नहीं कर सकते हैं ठीक है ना। तो वेट ऑफ मर्केंडाइज गुड्स सेल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द RLW। फिर है लगेज कैरिड इन लियो ऑफ पैसेंजर सेल नॉट बी मोर देन 20% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, यानी कि अब लगेज कैरी कहाँ करना है, लगेज कैरी के लिए अंदर की जो सीटें होती हैं आप सीटों पे लगेज कैरी कर सकते हैं लेकिन छत पे नहीं करना है ठीक है ना, उसके अंदर कोई डिक्की है तो वहाँ पे कर सकते हैं ठीक है ना, कोई साइड में जगह बना रखी है वहाँ पे कर सकते हैं, अगर वहाँ पे भी अगर नहीं है जगह तो आप सीटों के ऊपर या सीटों को हटा के कर सकते हैं, लेकिन ये सीटें आप 20% से ज़्यादा ऑक्यूपाइड उस लगेज के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि एक 50 सीटर बस है, 50 सीटर के अंदर 50 सीटर का 20% हो गया आपका 10 सीटें, यानी कि आप 10 सीटों के ऊपर लगेज कैरी कर सकते हो, 10 से ज़्यादा सीटें के आप लगेज कैरी नहीं कर सकते हो, यानी कि जो बाकी 40 सीटें हैं 40 सीट्स है वो आपको पैसेंजर के लिए छोड़नी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है आपके प्रॉपरली लगेज है प्रॉपरली पैक्ड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए एंड कम्फर्ट टू एनी पैसेंजर, यानी किसी भी जो यात्री है यात्री के लिए वो कन्वीनियंट होनी चाहिए ठीक है ना, उस पर पैक्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अंडर ईवे बिल, यानी जो मटेरियल आप कैरी कर रहे हो गुड्स मटेरियल उसका ईवे बिल जारी हुआ होना चाहिए और वो हमेशा गाड़ी के साथ में होना चाहिए। नो लगेज कैरिड ऑन रूफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसेज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसें हैं उनके रूफ छत के ऊपर आप लगेज अलाउ नहीं कर सकते, कैरियर तो अलाउ है नहीं, इसके अलावा कोई भी लगेज भी आप छत के ऊपर नहीं रख सकते हैं। फिर आते हैं स्टेज कैरिज की, स्टेज कैरिज बसेज सेल कैरी लगेज ऑन रूफ एज कंडीशन मेंशन इन रूल 5.21 ऑफ सेंट्रल राजस्थान मोटर व्हीकल रूल 98।
अब स्टेज कैरिज के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा था कैरियर तो अलाउ नहीं है क्योंकि वो EIS 052 के अंदर ही अलाउ नहीं कर रखा है कैरियर बॉडी बिल्डिंग में ही, ठीक है ना। लेकिन छत के ऊपर सामान रख सकते हैं, लेकिन वह सामान कंडीशनली रख सकते हैं। उस लिए कंडीशन क्या होगी, जो राजस्थान मोटर व्हीकल रूल के रूल 5.21 के अंदर कंडीशन दे रखी है, ठीक ना, उस कंडीशन के तहत पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी से, यानी कि ये लगेज है मैं अपने छत के ऊपर कैरी करके ले जा रहा हूँ, या अंदर लगेज नहीं आ रहा है, या कोई कि अलग टाइप का लगेज है, ठीक ना। तो उस केस के अंदर आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के, परमिशन लेने के बाद आप उस लगेज को कैरी कर सकते हैं। लेकिन साथ में सब्जेक्ट कंडीशन है 5.24 के अंदर राजस्थान मोटर व्हीकल रूल के अंदर कुछ कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन के तहत आपको परमिशन दी जाती है, उस कंडीशन के तहत आप कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज छत के ऊपर कोई भी लगेज कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मन से ये भ्रम हटा दें, क्योंकि बीच में काफ़ी ये भ्रम बन गया था कि अभी सरकार ने वाहनों के ऊपर छत के ऊपर लगेज अलाउ कर दिया है। छत के ऊपर लगेज अलाउ बिल्कुल नहीं किया है, ना तो कैरियर अलाउ है ना लगेज अलाउ है। लगेज आप लाइसेंस लेके कुछ कंडीशनली इस प्रकार से कैरी कर सकते हैं। तो साथियों ये थी वाहनों के ऊपर लगने वाले कैरियर के बारे में और गुड्स कैरी करने के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।